अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर। देखिए, एक बात तो आपने समझ ली है कि जो पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये एक स्टॉक है हमारा जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। और ये ऊपर हाइपोथैलेमस है जिसे मैंने उस डायग्राम में बना रखा है, आपने देख लिया है। अब ये जो पिट्यूटरी स्टॉक है ना, याद कर लो, पिट्यूटरी स्टॉक के साथ पिट्यूटरी का सिर्फ एक पार्ट अटैच होता है हाइपोथैलेमस से और वो उसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट हो गया। एक बहुत ही बारीक सा, बहुत ही पतला था इसका मीडियन पार्ट होता है। पता नहीं नजर भी लोगों आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो, नजर आ रहा है? सही। तो ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। और आप देख रहे हो पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लोब है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये आप देख रहे हो। उसके बाद ये जो दरमियान वाला बहुत पतला सा है जो कि इंसानों में आमतौर पर किसी काम का नहीं होता, इसको कहते हैं इसका मीडियन लोब। मीडियन मतलब दरमियान वाला, मीडियन लोब। और उसके बाद ये जो आगे वाला है, ये वाला, इसको कहते हैं इसका एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। याद कर लें कि जो मीडियन लोब है और जो एंटीरियर लोब है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हाइपोथैलेमस। तो फिर वो कैसे कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस? होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से बहुत सारी ब्लड वेसल आती हैं और ये ब्लड वेसल आके यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं और फिर ये इन ब्लड वेसल्स के जरिए इसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो पता ही चला, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाइपोथैलेमस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाइपोथैलेमस, जबकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्ट विद हाइपोथैलेमस वाया ब्लड वेसल्स। ठीक है बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। हम लोग सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। अच्छा, अब याद रहे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप ये बात समझ लीजिए, इट्स ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ये अभी आपको थोड़ी सी देर में समझ आ जाएगी बात कि जब मैं इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है। अब देखें, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि ये अपने हार्मोन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। जबकि जब आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखेंगे तो मैंने कल आपको समझाया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में उसके अपने हार्मोन कोई भी नहीं होते, हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन बनके वहां स्टोर हो जाते हैं। अभी हम उसकी बात करते हैं। अच्छा, देखिए और मेरी बात सुनिए कि ये बात हमने कल समझ ली थी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये कल मैंने आपको समझाया था और कल मैंने आपको थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की एग्जांपल दी थी कि जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है तो वो TSH को रिलीज कर पाता है और जब इनहिबिटिंग फैक्टर आता है तो वो उसको शिप बुला रहा है और जब इनहिबिटिंग फैक्टर आता है तो वो उसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, आप देखें, अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि ये जो आपके पास रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये जो पहुंचते हैं हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास, ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास पहुंचते हैं वाया ब्लड सर्कुलेशन के। तो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स, और जो मैंने फैक्टर लिखा तो इससे मुराद रिलीजिंग फैक्टर भी है और इनहिबिटिंग फैक्टर भी है दोनों। तो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स विल reach
पिच्यूटरी, और हम एंटीरियर पिच्यूटरी बात कर रहे हैं, तो मैं इसको एंटीरियर पिच्यूटरी लिख दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एंटीरियर पिच्यूटरी वाया ब्लड सर्कुलेशन, कल मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया भी था तो आपको वो बात याद होगी अच्छे तरीके से। जबकि मैंने आपको समझाया था कि जो पोस्टीरियर पिच्यूटरी होता है वो हाइपोथैलेमस के साथ पिच्यूटरी स्टॉक के जरिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब जब ये एक्टिवेट होता है तो बेसिकली पिच्यूटरी के जो हार्मोन होता है ना वो बहुत वाइड उनके इफेक्ट होते हैं और वो बॉडी के बहुत सारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अल्टर करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं कि द हार्मोन्स ऑफ पिच्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिच्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिच्यूटरी इफेक्ट मेनी अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। और ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं, ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, तो आप याद कर लीजिए और ये बात आप कभी भूलिएगा नहीं कि ऐसे हार्मोन जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को अल्टर करते हैं, उनको हम नाम देते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स का। किसके नाम देते हैं? ट्रॉफिक हार्मोन्स का। तो अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप एंडोक्राइन सिस्टम के स्टूडेंट हैं, जरा बताइए सही कि ट्रॉफिक हार्मोन क्या होते हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे कि ट्रॉफिक हार्मोन क्या होते हैं? दे आर हार्मोन्स विच रिलीज फ्रॉम वन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड अफेक्ट, या अफेक्ट से बेहतर है मैं इफेक्ट लिखूं, इफेक्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन जो है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को अल्टर करें, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक हार्मोन का, ठीक है। अब पिच्यूटरी के पास पांच तरह के ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, देखें कौन कौन से। अब पिच्यूटरी के पास कौन कौन से हार्मोन है? नंबर वन, हम अभी इनके सिर्फ नाम समझते जाते हैं और इनके एक्शन समझते जाते हैं, फिर बाकी बात हम इनकी करते रहेंगे। नंबर वन हमारे पास, चले उसी की बात कर लेते हैं, इसकी हमने कल बात की थी, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो आप याद कर लीजिए कि जो थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, यानी जो TSH है, ये एक्टिवेट करता है थायरॉइड को। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब आप जरा बात समझो, एक्टिवेट थायरॉइड ग्लैंड। अब देखें बात समझनी है बहुत ध्यान से, ठीक है, क्या बात समझनी है? बहुत ध्यान से बात समझनी है कि TSH पिच्यूटरी से निकला, यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला और इसने दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को जाके इफेक्ट किया, तो ये ट्रॉपिक हार्मोन की एग्जांपल हो गए, ठीक है, TSH। नंबर टू हमारे पास क्या होता है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम नाम देते हैं ACTH का। ये इंशाल्लाह आज ही हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि हमारे पास एक ग्लैंड होता है, इस कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, थोड़ी देर में भी हम बात करेंगे इसकी। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, तो ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स टू जनरेट इट्स हार्मोन। और ऑब्वियसली जब एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टिम्युलेट होगा तो वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा ना, यानी पिच्यूटरी का हार्मोन निकला और उसने दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिम्युलेट किया कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? ये एग्जाम्पल हो गया हमारे ट्रॉपिक हार्मोन का। तीसरा कौन सा हार्मोन? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे जब आप रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे। और जो चौथा है वो भी इसी के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ ही इसका भाई बदी है। तो फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी FSH, और जो
क्या कहना चाहिए इसको, चौथा हार्मोन है, इट्स कॉल्ड ल्यूटियल हार्मोन, ल्यूटियल हार्मोन, और इसको हम कहते हैं LH, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं LH। तो FSH और LH, आज याद कर लीजिए कि FSH और LH ये दोनों, मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ और इसकी डिटेल मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे, दे आर कॉल्ड गोनेडोट्रॉफिन्स, तो दे आर कंबाइंड टू फॉर्म गोनेडोट्रॉपिन्स, गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन्स। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको, गोनेडो इज फॉर गोनेड्स, और आपको पता है ना गोनेड्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, शाबाश, और ट्रॉपिक हार्मोन मतलब जो गोनेड को स्टिमुलेट करें। तो ये दोनों हार्मोन्स जाते हैं और गोनेड्स को यानी टेस्टिस को, ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और उनको मैच्योरेशन करवाते हैं और किसी भी क्या कहना चाहिए उसको, एनिमल को प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचा देते हैं। आपको पता ना प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी इज दैट स्टेज जिसपे कोई एनिमल रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है ना, जैसे आपने देखा ना एक लड़का होता है एक लड़की होती है, वो छोटे होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट जब वो बड़े होते हैं उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं और वो हम कहते हैं भाई एडल्ट हो गए, बाले हो गए, बड़े हो गए। तो वो जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं ना, वो जब तक FSH और LH पिट्यूटरी रिलीज ना करे तब तक नहीं आते, क्योंकि जब FSH और LH आएंगे ये स्टिमुलेट करेंगे गोनेड्स को, अगर फीमेल दें तो उसमें स्टिमुलेट करेंगे उसको, ईस्ट्रोजन बनाएं और वो फिर ईस्ट्रोजन से फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, और मेल्स में स्टिमुलेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन बनाएं तो मेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे और कहानी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही बात आप लोगों को, इस तरह से होगा। तो इसलिए इन दोनों को जो है गोनेडोट्रॉपिन्स कहते हैं, क्योंकि ये मैच्यूरेशन करवाते हैं गोनेड्स की, मैच्यूरेशन ऑफ गोनेड्स, तो ये गोनेड्स की मैच्यूरेशन करवाते हैं। तो इस तरीके से ये चार हार्मोन हो गए। नाउ पांचवा जो हमारा हार्मोन है, फिफ्थ हार्मोन, नाउ इट इज स्पेसिफिक टू मैमिलियन फीमेल्स और उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन जो है इट इज स्पेसिफिक टू मैमेलियन फीमेल्स, यानी इंसानों में भी अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, जो हम ख्वातीन हैं, उनसे जो है वो स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक टू मैमेलियन फीमेल्स, ये हार्मोन करता क्या है, ये रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इट रिलीजेस जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। यानी ये किसी भी खातून के यहां जो कि एक्सपेक्ट कर रही हो, जो कि प्रेग्नेंट हो, जिनके यहां कोई बेबी बॉर्न होने वाला हो, उसमें बेबी बॉर्न होने से कुछ टाइम पहले रिलीज होना शुरू होता है, जिस वक्त बेबी बॉर्न होता है उस वक्त भी रिलीज होता रहता है और उसके बाद भी रिलीज होता रहता है, रिलीज जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ बेबी। जब बेबी बॉडी से डिलीवर हो गया उस वक्त तक रिलीज होता रहेगा। अब ये क्या करता है, ये जाके इफेक्ट करता है किसको, मेमोरी ग्लैंड्स को। तो ये स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड, जैसे आपने देखा इंसानों में जो खवातीन होती हैं उनके पास अल्लाह ताला ने हमारी माओ बहनों को एक स्ट्रक्चर दिया है मेमोरी ग्लैंड, जैसे इंसानों में ब्रेस्ट आपको पता है होते हैं टू प्रोड्यूस मिल्क, है ना, और फिर क्या होता है वो जो मेमोरी ग्लैंड हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। इसलिए आपने देखा जब भी किसी खातून के यहाँ आप देखते हो, आप हमारे घर में हमारी बहनें हैं, हमारी फर्ज करें फूफी हैं, खाला हैं, ताई हैं, मुमानी हैं, चाची हैं, जो भी हैं व्हाटएवर, जब उनके यहाँ कोई बेबी बॉर्न होता है तो साथ में वो क्या करती हैं, वो उसको अपने दूध के ऊपर जो है वो फीड करवाती हैं ना, ऐसे ही होता है ना, हम भी जब छोटे थे तो हमारी जो मदर थी उन्होंने हमें फीड करवाया मिल्क के ऊपर। तो ये जो मिल्क की प्रोडक्शन है ना ये प्रोलैक्टिन की वजह से है, ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक हो गया। तो ये पांचवा हार्मोन हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है और मेमोरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये भी आपका ट्रॉपिक हार्मोन की एग्जाम्पल है। अच्छा, छठा और आखिरी जो हमारे पास हार्मोन है एंटी पिट्यूटरी का, उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और इसी को आप सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हो, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन कह लो या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कह लो, बात एक ही होती है। तो ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, दे बोथ मीन द सेम, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बॉडी को, ये स्टिमुलेट करता है बॉडी को टू ग्रो। आपने देखा हम लोग छोटे थे अपनी अम्मी की अपने बाबा की गोद में चढ़े रहते थे,
फिर उन्होंने हमारा ध्यान किया, हमें बहुत सारा प्यार किया, हमें खिलाया पिलाया, ख्याल रखा, सर्दी गर्मी सब चीज़ों से हमें बचाया, और ऐसा 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 हम लोग ग्रो करते करते उतने बड़े हो गए, इतने बड़े आज हम लोग हैं, और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। समझ आ रही बात आप लोग? तो ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है किसी भी इंडिविजुअल में। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि लेट सपोज कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर किसी भी वजह से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए। क्या कहा मैंने? कोई बच्चा है और उस बच्चे में किसी भी वजह से, अब एक बच्चा है उसमें किसी भी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन है वो कम हो गई, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि इफ रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर किसी भी वजह से बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई तो वो उनके कद छोटे रह जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर सकेंगे और एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसको आप और मैं ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो इट विल लीड टू ड्वार्फिज्म, ये जो है वो ड्वार्फिज्म की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ड्वार्फ बेसिकली बोने को बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे कद के लोग नहीं होते हैं। जैसे अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी हुई हो तो गेम ऑफ थ्रोन में वो जो छोटा है टेरियन, वो बेसिकली ड्वार्फ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कम हो रही है तो ज्यादा भी तो हो सकती है। तो इफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड, बल्कि एडल्ट की बात तो बाद में करते हैं, चाइल्डहुड, अगर बच्चों में ही ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो गई तो क्या होगा? वो उनके कद लंबे लंबे हो जाएंगे। वो जैसे मोहम्मद इरफान, नहीं देखा आपने, वो पाकिस्तानी टीम में जो प्लेयर है वो 7.5 फुट लंबा है। तो अगर प्रोडक्ट ग्रोथ ज्यादा हो गई तो कद बहुत लंबा हो जाएगा, एंड विल लीड टू जाइंटिज्म। इसको जो है वो जाइंट बन जाएंगे, जाइंट समझते हैं, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े कद वाले, तो जाइंटिज्म, इसको जाइगेंटिज्म भी पढ़ते हैं, जो आपको सही लगे आप पढ़िएगा, तो जाइंटिज्म। अच्छा, अब अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बड़ी उम्र में ज्यादा हो गई तो इफ इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड, आपको पता है ना कद तो एक एज तक बढ़ता है, उसके बाद कद बढ़ता नहीं है। अगर किसी को फर्क है 40 साल 45 साल में किसी भी वजह से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होने लग गई, बढ़ने लग गई, तो क्या होगा? इट विल लीड टू एक्रोमेगैली। और एक्रोमेगैली के अंदर क्या होता है, अब देखें, कद तो बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये काम हो रहा है उस उम्र के बाद जिसमें कद बढ़ना आपका रुक गया था। तो चेहरा बड़ा होने लग जाएगा, हाथ बड़ा हो जाएगा, बॉडी के ऑर्गन, लिवर का साइज, हार्ट का साइज, लंग्स का साइज, ये सारी चीज़ें, समान, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी होने लग जाएंगी। तो इसको हम नाम देते हैं एक्रोमेगैली का, बहुत खतरनाक डिजीज है, जानलेवा है, अगर प्रॉपर इसकी जल्दी से ट्रीटमेंट ना की जाए तो इससे मौत भी वाकई हो सकती है, ठीक है। अच्छा, याद रहे, जो बच्चे ड्वार्फिज्म में या जाइंटिज्म में चले जाते हैं उनकी मेंटल कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो बच्चा ड्वार्फ है, अगर उसका कद छोटा रह गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग भी छोटा होगा या उसका मेंटल लेवल या आईक्यू लेवल कुछ कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दे आर मेंटली ऑल राइट, बस सिर्फ उनका फिजिकल कद कम या ज्यादा हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये आपका पिच्यूटरी एंटीरियर पिच्यूटरी की हमने बात कंप्लीट कर ली। अब मैंने आपको समझाई थी ये बात कि जो पोस्टीरियर पिच्यूटरी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। कल हमने डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, याद है आप लोगों को, हमने बात की थी इस तरह से कि ये ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस था और ये नीचे एक पिच्यूटरी स्टॉक था, और इस पिच्यूटरी स्टॉक के साथ ये इसका पोस्टीरियर लोब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था और फिर इसका एंटीरियर लोब था। तो ये जो पोस्टीरियर लोब है इसका, ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। तो हाइपोथैलेमस की जो न्यूरो सिक्योरिटी सेल मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, वो न्यूरो सिक्योरिटी सेल अपने हार्मोन बनाते हैं और अपने हार्मोन बना के स्टोर कर देते हैं लाके किसके अंदर? पोस्टीरियर पिच्यूटरी के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर पिच्यूटरी की। अब हम किसी बात कर रहे हैं? पोस्टीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। तो याद कर लीजिए, पोस्टीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड
डू नॉट हैव इट्स ओन हॉर्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास उसके अपने हॉर्मोन्स नहीं होते, जब उसके अपने हॉर्मोन नहीं होते तो फिर क्या होता है, हैव स्टोर्ड हॉर्मोन्स, इसके पास स्टोर्ड हॉर्मोन्स होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बने हुए होते हैं और हाइपोथैलेमस बना के इसमें स्टोर कर देता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अब क्या होता है, दो हार्मोन होते हैं यहां पर, तो टू हार्मोन्स, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इनको हमें याद रखना है। और वो कौन कौन से हार्मोन है, नंबर वन हमारे पास जो हार्मोन है उसके नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ये बात याद कर लीजिए, इस नाम को याद कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, तो पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन, ऐसे याद कर लीजिए इसको। अब क्या होगा, अब वो जो मिल्क है ना वो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर पड़ा हुआ है, जब तक हम मेमोरी ग्लैंड को किसी तरीके से दबाएंगे नहीं, ठीक है, जब तक हम मेमोरी ग्लैंड को किसी तरीके से दबाएंगे नहीं तब तक वो मिल्क वहां से बाहर नहीं निकलेगा। जैसा आपने देखा ना वो जो डेयरी फार्म में वो जो लोग जो गाय और भैंसों से दूध जमा करते हैं और एक डब्बों में भरते हैं, उनके बाद क्या होते हैं, उनका मशीनें होती हैं, सकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो गायें भैंसें होती हैं उनके जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो अपने निपल्स उनको लगा देते हैं और वो सक कर करके सारा ब्लड वहां से ले लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन जाता है और जाके मेमोरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर है बेसिकली, तो इट इज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली, ये क्या है, इट इज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर, ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला है। मेमोरी ग्लैंड यानी जो ब्रेस्ट होते हैं वो स्मूथ मसल्स के ही बने हुए होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मेमोरी ग्लैंड्स विल इजैक्यूलेट मिल्क, या आप इसको चाहें तो सीक्रेट भी कह सकते हो, विल सीक्रेट मिल्क, तो ये क्या करेगा, जैसे ही जाके उन मेमोरी ग्लैंड को दबाएगा वहां से मिल्क की सीक्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो याद कर लें, ये अगर एमसीक्यू आ जाए और अक्सर आ जाता है, वो आपसे अगर पूछे कि मिल्क की प्रोडक्शन कौन करवाता है तो प्रोलैक्टिन है, बट सीक्रेशन कौन करवाता है तो याद कर लीजिए वो ऑक्सीटोसिन है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर है इसलिए इसका डिलीवरी ऑफ अ बेबी में भी बड़ा रोल है, तो ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मायोमेट्रियम, ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम के अंदर भी इसको कॉन्ट्रैक्शन में रोल करता है टू डिलीवर बेबी फ्रॉम द बॉडी, तो डिलीवर बेबी फ्रॉम बॉडी ऑफ मदर, तो ये माँ की बॉडी से जो है वो बेबी को डिलीवर करवाने में अपना रोल प्ले करता है। वो पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का चक्कर, तो उसमें मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी थी अगर आपको याद आ रहा हो तो। अच्छा खैर, ये अगर आपको बात समझ आ गई तो अब हम आगे चलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और जब ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, अच्छा इसलिए अगर आप देखोगे जब आप लोग जाओगे ना मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा होता है, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जिस वक्त उनके यहाँ बेबी डिलीवर हो रहा होता है ना उस वक्त उनकी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, किसी भी वजह से ना कर रही हो, तो फिर वो क्या करती हैं, वो जो वो लेडी डॉक्टर वहाँ खड़ी होती हैं, आपको पता है ना वो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वहाँ खड़ी होती हैं, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती हैं, उन खवातीन को कैलकुलेटेड डोज में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देती हैं, ऑक्सीटोसिन का बूस्ट देती हैं। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन का बूस्ट आता है वो मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी जो है डिलीवर हो जाता है, सांस होता है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो हार्मोन है, ये तो पहला हार्मोन हो गया ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद हाइपोथैलेमस का जो पहला हार्मोन था वो ये था, नाउ दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किडनी में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूँगा, आपको पता है वो हार्मोन कौन सा है, उसका काम क्या है, उसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, याद आ रहा है कुछ, अभी मैं आपको उसका शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा तो याद आ जाएगा, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, याद है मैंने आपको बताया था एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डाययूरेसिस का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी वो हार्मोन जो यूरिन फॉर्मेशन को कम कर दे, कैसे कम करेगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाएगी, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन से, और आपको याद है ना नेफ्रॉन में ये डिस्टिल कॉम्बुलेटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से, मैंने बताया था डिटेल में आपको याद होगा,
तो ये डिस्टल कॉम्बुलेटरी ट्यूब्यूल से और आपका जो कलेक्टिंग डक्ट थी नेफ्रॉन की, वहां से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा था। ठीक है बेटे, तो ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। अच्छा, जब हम मीडियन पिट्यूटरी की बात करते हैं तो मैं ये बात कल भी आपको समझा चुका हूं कि मीडियन पिट्यूटरी का इंसानों में कोई खास रोल नहीं होता। मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक हार्मोन रिलीज करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इट रिलीजेस MSH विच इज मेलानोसाइट स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये स्किन डार्कनिंग करवाता है। इट विल लीड टू स्किन डार्कनिंग। जैसे आपने देखा है, अगर आप बहुत सारी देर धूप में खड़े रहें तो आपकी स्किन जो है वो काली पड़ना शुरू हो जाती है, वो मेलानिन की डिपोजिशन की वजह से होता है। ठीक है, तो जब आप याद करेंगे पिट्यूटरी का, वो याद कर लीजिए, आप याद करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, इसका सिर्फ नाम भी याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड।